न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए शपथ। राज्यपाल कल्याण सिंह ने दिलाई शपथ। प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से कर रहे हैं संपर्क। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदेश भर में चलाया जा रहा है अभियान। मतदान करने की दिलाई जा रही है शपथ। बीकानेर में निकाली गई वोट मैराथन। और प्रदेश में गर्मी का दौर जारी। अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 से 43 के बीच। गर्मी से बचाव के लिए लोग कर रहे हैं जतन। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल कल्याण सिंह ने आज राजभवन में एक सादा समारोह में एस रविंद्र भट्ट को मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित कई न्यायाधीश मौजूद रहे। मैं श्रीपति रविंद्र भट्ट राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण के चुनाव प्रचार का शोर कल थम गया। इस चरण में राजस्थान सहित 7 राज्यों की 51 संसदीय सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान में करीब 8,75,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश के दूसरे चरण में 12 लोकसभा सीटों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश के दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनावों के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल होने वाले मतदान के लिए आज जयपुर सहित विभिन्न स्थानों से मतदान दल मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में 2,30,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से करीब 7,09,000 मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे। सीकर जिला मुख्यालय से 2046 मतदान केंद्रों के लिए आज 12,000 मतदान कर्मी रवाना हुए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय और आईटीआई मैदान से मतदान दलों को विभिन्न मतदान स्थलों के लिए ईवीएम और वीवीपैट देकर रवाना किया गया। इस बार 100% वीवीपैट मशीन के माध्यम से हो रहा है, तो वीवीपैट मशीन्स और ईवीएम का हमने एक अच्छा खासा रिजर्व रखा है। 20% कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट का रिजर्व हमने रखा है। इसके साथ ही 30% हमारे पास जो है वीवीपैट का रिजर्व है। रिजर्व मशीनें हम सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ रखेंगे, जिसमें रिजर्व मशीन भी रहेगी उनके पास बैटरी और अन्य मतदान सामग्री भी जो भी आवश्यकता होगी, ताकि तत्काल कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तत्काल हम उसको रिप्लेस कर देंगे।
दौसा लोकसभा क्षेत्र के 1237 मतदान केंद्रों के लिए भी आज पीजी कॉलेज दौसा से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि मतदान दलों को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के प्रशिक्षण के उपरांत भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए छाया और पानी के साथ साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सामान सारा मिल चुका है, मशीनें उनको अभी प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके बाद वो अपने व्हीकल को अपना ट्रैक करके उसको लोकेट करके और जो पुलिस कांस्टेबल है उनके साथ भी उनका समन्वय स्थापित हो चुका है और वो रवाना हो जाएंगे। बूथ पे हमने पहले से ही लगातार पिछले एक महीने से सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और BLOs के माध्यम से इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में हम लोग लगे हुए हैं, तो सभी व्यवस्थाएँ वहाँ पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी के बाद 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजधानी जयपुर के दो लोकसभा क्षेत्रों जयपुर ग्रामीण से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विधायक और पूर्व ओलंपियन कृष्णा पूनिया के बीच मुकाबला होगा। वहीं जयपुर शहर से सांसद रामचरण बोहरा के सामने कांग्रेस की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल किस्मत आजमा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से चुनाव मैदान में हैं। इनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व IPS मदन गोपाल मेघवाल से होगा। चूरू से भाजपा सांसद राहुल कसवां के सामने कांग्रेस के रफीक मंडेलिया और दौसा में भाजपा से पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा और कांग्रेस से सविता मीणा के बीच मुकाबला है। लोकसभा चुनाव के तहत EVM और VVPAT से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जयपुर के गांधीनगर स्थित जलदाय विभाग में EVM नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने बताया कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के इस नियंत्रण कक्ष पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशु चौधरी को नियुक्त किया गया है। ये नियंत्रण कक्ष आज से शुरू हो गया है और कल मतदान समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बीकानेर में वोट मैराथन का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने वोट मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सतरंगी सप्ताह के तहत यहां पतंग उत्सव सहित अनेक आयोजन किए गए। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर अश्व मतदान यात्रा का आयोजन किया गया। घुड़सवारों का आह्वान, शत प्रतिशत हो मतदान थीम पर आयोजित अश्व यात्रा में 2 दर्जन घोड़ों के साथ एक बग्घी भी शामिल रही। जिला परिषद के CEO ने बताया कि अश्व यात्रा में जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जिले के आला अधिकारी शामिल हुए। किया है, सबको ये संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 मई 2019 को आके और मतदान करें और लोकतंत्र को सफल बनाएं। कल होने वाले लोकसभा के 5वें चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी जोश है। हर बार की तरह इस बार युवाओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। दूरदर्शन से बातचीत में युवा मतदाताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए। एक हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उससे हम आगे आ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आजकल का जो युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे। युवाओं को वोट देना ज़रूरी है क्योंकि ये आम आदमी का अधिकार है और जब युवा जाएगा, जब भी हमारे देश के बड़े बुजुर्ग सभी वोट देंगे, क्योंकि युवाओं की कोई जात पात नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, क्योंकि ये एक अधिकार है युवाओं का वोट देने का। इससे सरकार अगर किसी की बनो, इससे हर चीज़ का निर्माण होता है। हमें चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह निर्माण होता है। विश्व हास्य दिवस के अवसर पर आज जयपुर के सेंट्रल पार्क में शहर के हंसोड़ इकट्ठे हुए। हास्यम संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ बुजुर्गों ने भी जमकर हंसी के ठहाके लगाए। इस अवसर पर विजेताओं को हास्य श्री और हास्य चंद्रिका की उपाधि से सम्मानित किया गया। Ha 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 ha!
विश्वास दिवस जो मनता है आज पूरे विश्व के अंदर ये दिन मनाया जा रहा है और बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इसकी संख्या इतनी बढ़ गई है और धीरे धीरे मतलब चारे विश्व के अंदर ये इतना बड़ा हो गया है और हम बहुत बढ़िया हम जाते हैं और किससे आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। संस्था का मिशन एक ही है कि हम हंसे और दूसरों को हंसाते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती ज़्यादा है। हम लाफिंग के बेनिफिट है कि जब आप जोर जोर से हंसते हैं तो आप तेज़ी से सांस लेते हैं, तेज़ी से सांस छोड़ते हैं, इससे आपके फेफड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपका तनाव दूर होता है क्योंकि लाफिंग से एक एंडोफ्रिन नाम का हार्मोन अपनी बॉडी में सर्कुलेट होता है जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लोडेड देशी पिस्टल बरामद की है। उप पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी ने बताया कि इमरोजा पुलिस टीम की इस कार्रवाई में गिरफ्तार युवक से 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। मौसम। प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है। अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। लोग गर्मी से बचाव के लिए कई तरह के जतन कर रहे हैं। जयपुर में अधिकतम तापमान 38.6 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की ली शपथ। राज्यपाल कल्याण सिंह ने दिलाई शपथ। प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से कर रहे हैं संपर्क। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदेश भर में चलाया जा रहा है अभियान। मतदान करने की दिलाई जा रही है शपथ। बीकानेर में निकाली गई वोट मैराथन। और प्रदेश में गर्मी का दौर जारी। अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 से 43 के बीच। गर्मी से बचाव के लिए लोग कर रहे हैं जतन। इसके साथ ही आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।